हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है। नए नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके सब्सक्राइबर कम होते हैं नए नए में, और लोग देखते हैं कि इसके सब्सक्राइबर कम है तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसके तो सब्सक्राइबर ही कम है, यानी नॉलेज ही कम होगा, वीडियो अच्छा नहीं डालता होगा, इसलिए सब्सक्राइबर कम है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। टेक्निकल गुरुजी और कैरिमिनिटी जैसे बड़े यूट्यूबर नहीं है, अगर वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो माफ कीजिएगा, कमेंट में गालियां मत दीजिएगा क्योंकि पब्लिक प्लेस पर पान खा के थूकना मना होता है, इसलिए कमेंट में अपनी भड़ास छोड़ने से पहले अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें और वीकेपी स्टार गोल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए यूट्यूबर को स्टार्टिंग में जो जो समस्याएं होती है उन सारे समस्याओं का हल हमारे वीडियो में मिल जाएगा, यानी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लाते रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाके आपको क्रोम को डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। क्रोम ब्राउजर पे जाके आपको सर्च करना है यूट्यूब। आपको यहाँ पे लिखना है यूट्यूब, YOUTUBE। यूट्यूब लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यूट्यूब लिख के जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आपको यूट्यूब पे क्लिक कर देना है। YouTube पे क्लिक करने के बाद आपका YouTube ब्राउजर से खुलेगा, एप्लीकेशन से नहीं। ये ब्राउजर से खुलने के बाद आपको कोने में अपने चैनल का लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पे लोगो पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पे योर चैनल दिख रहा होगा, फर्स्ट योर चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका चैनल खुल जाएगा। उसके बाद सामने आपको दो बटन दिख रहे होंगे ब्लू में, एक कस्टमाइज चैनल और एक मैनेज वीडियो। तो आपको सिंपली सा कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। जैसे आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे आपका वाईटी स्टूडियो ब्राउजर से ओपन होगा। ब्राउजर से वाईटी स्टूडियो ओपन होगा, उसके बाद सर्च में थोड़ा स्लो चल रहा है हाँ। उसके बाद नीचे कोने में एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, अभी दिखेगा, खुल रहा है। नीचे कोने में आपको एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा, इसमें आपको चैनल वाले पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक एडवांस सेटिंग और एक फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो आपको दो नंबर वाले पे क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग पे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा सब्सक्राइबर काउंट। सब्सक्राइबर काउंट यानी कि आपके में टिक होगा, तो जैसे ऐसा होगा आप में तो आपको इसके ऑन टिक कर देना है। टिक है इसका मतलब है कि आपके सब्सक्राइबर पेज पे दिखेगा, यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। इसको ऑन टिक कर दीजिएगा तो नहीं दिखेंगे। ऑन टिक करने के बाद से यहाँ पे जैसे ही आप ऑन टिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेव दिख रहा है, ऑन टिक करके सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे में कुछ बदलाव नहीं हुआ, इसलिए सेव नहीं दिख रहा है। ऑन टिक करके सेव कर दीजिए, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप वीडियो डालिएगा तो व्यू जाएगा, लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर तो दिखेंगे ही नहीं। अब आपके सब्सक्राइबर सिर्फ वाईटी स्टूडियो में ही दिखेंगे, यूट्यूब पे किसी दूसरों के पेज पे नहीं दिखेगा, आपके भी आईडी पे नहीं दिखेगा यूट्यूब, सिर्फ वाईटी स्टूडियो में आपके सब्सक्राइबर्स दिखेंगे। और अगर आपके सब्सक्राइबर 1K+ जाते हैं तो फिर उसे आप दिखा सकते हैं, यानी कि ऑन हाइड कर सकते हैं। तो ऑन हाइड भी वैसे ही होता है, आपको सिंपली सा उस पे जाके टिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी नहीं होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपका दिन सुबह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।